आज है 5 तारीख। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। एक आपने कुछ तो वीडियो में बोला था ना सोलर एनर्जी का कुछ। हाँ, सोलर पैनल्स। हाँ, का एक अपने सब्सक्राइबर ने फोन किया, एक कंपनी में वो काम करता है। हाँ, तो वो बोला आपका 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेज दो। हाँ, मैं कल पूरा कोटेशन बना के आपके पास आता हूँ। हाँ, सर से एक मीट कर लेंगे। सोलर क्या होएगा, अभी हमारा बिजली का बिल 70-80 हज़ार रुपए आ रहा है। ये जो पूरी छत है ना, इस पे सोलर पैनल लग सकते हैं। अब बजट डिपेंड करेगा, अगर लोन मिल गया, अगर 3 साल में हमारी रिकवरी हो रही है और मान लो कल को अगर हम लोग कहीं पे ओन प्रॉपर्टी पे भी जाते हैं, शिफ्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम लोग पैनल्स लेके जा सकते हैं। दूसरा जो मेरे को ऐसा लगता है उसका एक बाय प्रोडक्ट होगा वो है, क्योंकि छत पूरी कवर हो जाएगी ना पैनल से, तो अंदर भी ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा। उनके रिसेंट प्रोजेक्ट से कुछ तो उन्होंने बोला हम इसी इंडस्ट्री के लिए काम करता है। ऐसे साल का 10 लाख रुपए बिल देने से अच्छा है कि अगर 25-30 लाख रुपए में हो रहा है प्रोजेक्ट, तो फिर सोच सकते हैं ना वो करने का। ठीक है, दो तीन जगह से अलग अलग कोटेशन लेंगे और प्रोडक्ट समझेंगे, जहाँ पे अपने को वैल्यू ज्यादा मिलेगी वो फिर फाइनल कर सकते हैं। लोन मिल जाना चाहिए अपने को। उनके भी कॉन्टेक्ट रहते ही होंगे, कुछ ना कुछ हेल्प करवा देंगे। तूने ये छत पेंट करवा दी? दे रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। ये गाड़ी हम लोग रेडी कर रहे थे, पूरी हमने पेंट भी कर दी थी, फाइनल कर रहे थे, पर फिर क्या होता है, गाड़ी पार्क रहती है ना, कस्टमर लेट आने वाले थे, उस चक्कर में खड़े खड़े जैसे काम करते हुए कुछ कभी किधर लग जाता है, तो ये छत पे जो है चिपिंग हो गई। अभी ये चिपिंग छोटे छोटे सॉल्व करने के लिए वापस मैं ये रूफ पेंट करा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, बेस कोट में उतना ही मारूंगा जहां पर डैमेज है, और क्लियर हम लोग पूरा मार देंगे। द ऑब्जेक्टिव इज कि भाई क्लाइंट पैसा खर्चा कर रहा है गाड़ी पे इतना सारा, मैंने प्रॉब्लम फ्री प्रोडक्ट डिलीवर करना है। ये इस तरीके का जो नुकसान है वर्कशॉप लॉस में जाता है, तो हम रेगुलर जो जो काम करते हैं कहीं पर रिपीट वर्क आता है तो वर्कशॉप के लिए वो लॉस कंसिडर होता है। हम लोग उसका महीने का ट्रैक भी रखते हैं, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हम लोग को हेल्प करता है वो देखने में कि हम कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। एंड इन योर बिजनेस ऑल्सो, अगर आप स्टॉक रखते हैं, इन्वेंट्री रखते हैं, कहीं पे कोई प्रोडक्ट बेस्ट बिफोर खत्म हो जाता है या कहीं प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आता है, डिफेक्टिव पीस आता है, उस केस में यू शुड कीप अ ट्रैक ऑन इट, सो दैट आपको पता चले कि एंड में आप लॉसेस कहां पर मेजर झेल रहे हो। रियाज, यहाँ पर क्या करने वाला है? वर्कशॉप के सबसे डेंजर प्रोजेक्ट इसके पास आते हैं। थोड़ा बहुत करूंगा। इस तरीके से जब ये डैमेज होता है, अब अगर इसको प्रॉपर 100% सही ढंग से करना है, तो ये पूरा डिक्की अंदर की साइड से रिप्लेस करना पड़ेगा, वेल्डिंग कटवट करके। वो बहुत मेजर स्ट्रक्चरल चेंज भी रहेगा, और उसके लिए टाइम भी बहुत जाएगा, पैसा भी बहुत जाएगा। तो हम लोग ये जो सारा एरिया है ये पैच वर्क में बनाएंगे, और अभी आप देख सकते हो इसका कंडीशन, और आगे होने के बाद में फिर वापस दिखाएंगे। शोरूम में काम किया है ये क्वार्टर पैनल जो है, ये शोरूम में रिप्लेस हुआ था। इन्होंने क्या किया है, ये अंदर ले लिया ना, पूरा अंदर ले लिया है, यहाँ पे भी वेल्डिंग चढ़ा, ये यहाँ से कट करके वेल्डिंग किया था, और ये वाला पीस जो है रिप्लेस किया था। अभी ये ऐसा बैठने की जगह ये थोड़ा सा अंदर को बैठा है, तो ये वाला पीस अंदर की तरफ जा चुका है। इसको भी वापस जितना शेप में लाने का कोशिश कर सकते हैं उतना करेंगे। ये डीलरशिप में काम हुआ है, मारुति की डीलरशिप तो आज की डेट में नेक्स्ट लेवल है भाई। हम लोग फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं, हम लोग 300-400 कभी 450 पैनल्स एक महीने में मारते हैं। मारुति में नहीं भी होने से 5,000-6,000 पैनल्स महीने के मारते हैं। स्पीड इज द गेम उनके लिए, रेदर देन वर्क फिनिशिंग। तो तू अभी फॉर्च्यूनर पीपीएफ के लिए डालेगा? नहीं, पहले उनका वो स्कॉर्पियन खत्म हो जाएगा। हाँ। तो वो हमने क्रेटा पहले लोअर सेक्शन किया था, तो रूफ एंड स्पॉइलर उनको करना है, तो उसके बाद वो करके खत्म हो जाएगा वो। अभी एक और क्रेटा भी आई हुई है ना? हाँ, ये फुल कार है। ओ
पहले उसका छोटा है वो कर देंगे, बम्पर निकाल के दे रहा हूँ पेंटिंग को। इन्वेंटरी ले रहे हैं। ये टेल लाइट कैसे टूटी है? ये डैमेज हुआ था ना, वही इन्वेंटरी ले रहे हैं बता रहे हैं। तो उनको बोल अगर हुंडई में नई टेल लाइट मिलती है तो बिठा लेते हैं। ये नई गाड़ी है, पीपीएफ के लिए आई है, पर ये साइड क्लाइंट का डैमेज हुआ था तो उन्होंने बम्पर बाहर से पेंट कराया था। अब ये बम्पर में पेंट जो है वो ब्लिस्टर हो चुका है। ये इम्प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से भी होता है। व्हाइट व्हाइट टोन है ये वाले, ये जो पेंट जो बबल कर रहा है। और ये भी देखिए सब पेंट के अंदर है, ये सारे जो दिख रहे हैं पिनहोल्स, ये पेंट के अंदर है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादातर इम्प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से आता है। पेंटिंग के टाइम में हड़बड़ी जब की जाती है, पेंट करते हुए ना एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, ज्यादातर जो पेंटिंग का प्रोसेस है वो प्रेप वर्क है। प्रेप वर्क अच्छे से हुआ तो फिनिशिंग अच्छे से होगी, प्रेप वर्क में कमी हुई तो फिर सारा प्रोसेस बिगड़ जाएगा। अब ये हम लोग रिपीट जॉब कर रहे हैं, सिर्फ ये इतना बम्पर जो है हम पेंट कर रहे हैं, और इसके अलावा फिर ये पूरी गाड़ी जो है पीपीएफ होगी। किसने पकड़ लिया? कितना टाइम वेस्ट किया उसने? हमारी दो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर गाड़ी नहीं है तो मेल के थ्रू होगा, यहाँ कोई कोटेशन नहीं मिलेगा, फालतू का टाइम वेस्ट होता है। जो हमारा प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो है, और यहाँ वही होगा उससे ही बात होगी जो गाड़ी लेके आया है। हमें ऑन एन एवरेज दिन की 300 से 400 इंक्वायरी आती है। बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ वॉक इन भी करते हैं और बहुत सारे मेल पे भी इंक्वायरी करते हैं। अब कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आते बिना गाड़ी लेके, उस केस में हम लोग के लिए कोटेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंदाजे में बेस प्राइस अगर हम बताते हैं, उसके बाद गाड़ी जब आती है अकॉर्डिंग टू अस कंडीशन अलग होती है, अकॉर्डिंग टू देम कंडीशन अलग होती है, तो दो दो बार कोटेशन देना पड़ता है। जो लोग गाड़ियां नहीं ला सकते, जो लोग बाहर से, उनके लिए हमने सिंपल सिस्टम बनाया हुआ है कि आप मेल में हमें गाड़ी के फोटोज भेज दो और गाड़ी के डिटेल्स भेज दो, हम आपको कोटेशन दे देंगे। वो भी एक अंदाजे में रहता है, क्योंकि सामने से इंस्पेक्ट करना वर्सेस फोटो में देखना थोड़ा डिफरेंस रहता है, बट एटलीस्ट हमें डिटेल में पता तो होता है। कोई कितना भी बोले ये मैं ठीक कंडीशन है, ये है वो है, सर मेल पे जाके फोटो भेज दीजिए, आपको कोटेशन आ जाएगा। ये दो तरीके, यहाँ उन्हीं से डील करो, उन्हीं को टाइम दो जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, और अगर वो लेके नहीं आए हैं तो उसको क्लियर बोल दो कि आप मेल के थ्रू हमें भेजिए, हम आपको कोटेशन दे देंगे। नहीं फिर भी अंदाजा बता दो कितना, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे दो, मत पड़ो उस चीज में। दिन में दो दो तीन तीन घंटे उस चीज में वेस्ट होती है। कोई कोई फिर वही करता है, मैं जाके मैं रिव्यू डाल दूंगा, डालने दो, कैसे बोल रहे हो, डालने दो, कोई बात नहीं। वो जो दूर से गाड़ी कैसे लेके, बिना पेशेंट के डॉक्टर के पास नहीं आया जाता, ये सीधी सी बात है। अगर कोई जाके वन स्टार रिव्यू दे रहा है तो उसको देने दो, ये दो ही फंडे होने चाहिए सीधा। अगर फोटोज लाया है, डिटेल फोटोज है तुम्हारे पास फोन में खींची भी, तो देख लो और उसके हिसाब से रफ एस्टिमेट दे दो। अगर नहीं, अगर सिर्फ एक फोटो है दो फोटो है, आप घर जाके मेल में भेजिए, तभी आपको कोटेशन मिलेगा। तुम रफ आइडिया दे दो, सर जब तक हम गाड़ी की कंडीशन नहीं देख लेते हम कोई कोटेशन नहीं प्रोवाइड करते, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। तुम कोटेशन दो, फिर गाड़ी आएगी, फिर कोटेशन चेंज करो, वो सब झंझट में पड़ना ही नहीं। वर्कशॉप में जो लोग यहाँ आते थे गाड़ी का कोटेशन मांगने, बिना गाड़ी लाए, हमारा दिन के दो दो घंटे तीन तीन घंटे वेस्ट जाते हैं, और इसमें उनका भी नुकसान है, जो गाड़ी लेके आ रहे हैं उन्हें वेट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने अभी स्ट्रेट अप पॉलिसी ये बनाया हुआ है कि यहाँ जो आएगा वो गाड़ी या तो लेके आएगा तभी कोटेशन मिलेगा, नहीं तो डिटेल फोटोज के साथ आएगा तब मिलेगा, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वो मेल में हमें इंक्वायरी करें, हम वहाँ पे उनको जवाब देंगे। क्या होता है देखो, हमारे भी दो ही हाथ है एक ही मुंह है, हम भी लिमिटेड लोगों से दिन भर में बात कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा वॉक इन रहेगा जो कि गाड़ी लेके नहीं आए, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ माय टाइम, एंड इफ आई वैल्यू योर टाइम आई ऑल्सो वैल्यू माय टाइम, तो मैं दोनों में से किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। दिस इज द रीजन वी हैव दिस पॉलिसी। पापा कहाँ गए? ये ऑक्टाविया का वो आ गया है, तो हम लोग गाड़ी डाल देंगे और हफ्ते भर में बोला तो है डाल, मना तो नहीं, फिर यूज में लगेगी ना, मंडे को बताएगा उसने कि वो ले रहा है या नहीं ले रहा गाड़ी। वैसे उसने बोला है मैं लूंगा, बट अभी जब तक पैसे नहीं आ जाते तो बोल थोड़ी सकते हैं। तो एक्सयूवी का बोनेट, अच्छा वो रिपेयरिंग बोनेट का प्रॉब्लम नहीं है, दरवाजे वगैरह गणेश ने ऑर्डर दिए हुए। गणेश दरवाजे क्यों चेंज कर रहे हो? उसने इंश्योरेंस वाले ने बोला ये चेंज में जाएगा। मैं सोच रहा हूँ उसको जल्दी से जल्दी 7-8 दिन में जो है रिपेयर करके आपको एक्सयूवी दे दूं, फिर ऑक्टाविया ले लूं। वैसे कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 5 दिन और लेट हो जाएगा पेंट करने में। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, खाली यहाँ से देख के या पास से देखना है? पास से देख लो, आपको ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है ये। हाँ वही तो फाइनल किया था ना। हाँ वो फाइनल किया था, ये देखो। हाँ
मेरे को दोनों अच्छे लग रहे हैं, पर ये सॉलिड है शायद, ये मेटालिक है, वही अच्छा लग रहा है ये वाला। हाँ ये वाला सॉलिड है, ठीक है मालूम है मेरे को, वो सॉलिड है ये मेटालिक है, अगर ये कलर प्यारा है लाइट वाला, ठीक है आप जा रहे हो, चलो बाय। खा गया केक को कौन वो? नहीं, नहीं, अरे नहीं, कुत्तों का केक था वो। अच्छा वो चिकन एंड प्रॉन था उसमें। अच्छा नहीं ये बोला था ना केक मंगाया, मैं भी खुश हो गया था, वो फिर पता चला कुत्ते का केक है। अच्छा उसी के लिए मंगाया? नहीं हम भी मंगा सकते हैं, मतलब मंगा दूं। फिर हमने मंगाया नहीं कि मीठा नहीं खाना। तुम अभी मंगाओगे, उसी दिन मंगाना था, अभी मंगाने का क्या होता, अब नहीं खाने का। और बाय द वे हम अंडा मीट मछली कुछ नहीं खाते, तो इसलिए हम वेजिटेरियन हो गए। प्योर वेजिटेरियन, no alcohol, no nothing. After 62 years? 62 में छोड़ा ना भाई, तुम भी छोड़ के देखो क्यों भाई। चलो बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। आपने सुनो कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। क्या मैंने नहीं पढ़े? आपका और मेरा इंटरेक्शन बहुत एंटरटेनिंग था। हाँ। और सबको अच्छा लगा, बोले एक जन ने बोला हमारे भी घर पे ऐसे ही रहता है, मैं और पापा लड़ते रहते हैं। नहीं हमारा जो भी हमने डिस्कशन किया, मतलब मजाक में लड़ना है ऐसा? हाँ लड़े तो नहीं है हम लोग, खैर डिस्कशन। अरे वही मतलब मजाक में लड़ना। देखो बिजनेस तो बिजनेस, फैमिली में इतनी बॉन्डिंग कहाँ देखने को मिलती है आज के टाइम में, वेरी इम्प्रेसिव। पापा तुम्हारे बहुत फिट हैं, योर फादर इज अ हैंडसम स्टड हंक। एक ने लिखा था पापा के साथ और बातचीत वीडियो में दिखाया करो। अनिल अंकल की पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है, उनका बियर्ड एंड हेयर स्टाइल बढ़िया लग रहा है। ये आपके लिए लिखा है बाबा, मतलब बाबा मतलब आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बाप रे बाप आग लगा दिया। बहुत कमेंट आए हैं, घर जाके आप एक बार देखना। एक गाड़ी आके रुकी मेरे साइड में, होंडा सिविक थी मेरे ख्याल। हाँ। चार जने थे, अब वो मैं ऐसे साइड से देखा तो दोनों पीछे के डोर खोल दिया और चार बैठे हुए। हाँ। तो एक के हाथ में लैपटॉप भी था। अच्छा उधर वाला बोल रहा है यही है यही है यही है। मैंने सोचा साले किडनैपर। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं निकल गया ना, इन्होंने आवाज दी। फिर बाद में मैंने बोला कोई सब्सक्राइबर होगा व्यूअर होगा। ये देखो बेस्ट मोमेंट टिल डेट ऑन द चैनल व्हेन यू आर शोइंग द न्यू स्कॉर्पियो टू योर फादर एंड योर फादर टेलिंग अबाउट हिज बर्थडे। Hats off to Brotomotive. घर जाके एक बार देखना, मस्त मस्त कमेंट है। Loved बाप बेटा कॉन्वर्सेशन। राम अरे गाड़ियां तो अंदर डाल दे भाई, सब लोग गए क्या? खाली ये दो तीन जो हैं भाई गाड़ियां अंदर डाल दे साथ में। सब लोग चले गए, गाड़ियां ही नहीं डाली अंदर, बाहर खड़ी हैं तीन गाड़ियां। हमारा अभी हाफ डे हो गया है, बाकी का हाफ डे शुरू करना है, 8 बज रहे हैं। पर मैंने आज राघव के साथ मिलके डिसाइड किया है कि हम जल्दी घर जाएंगे, रोज ऐसे लेट नहीं करेंगे। दिल खुश हो गया, दिल भाई इसके ब्रीदर्स लेते।